हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल श्रवण लेक्चरर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो आपका क्लास 10 हिंदी का पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो 2022 बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा, और आखिर हम बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें ताकि एग्जामिनर हमें फुल मार्क दे, अभी मैं आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि निबंध कैसे लिखें। बहुत सारे निबंध नहीं लिख पाते, आज मैं आपको बताऊंगा कि निबंध कैसे लिखें ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में फुल मार्क पाओ। आपको अगर ऐसा निबंध लिखोगे जैसा मैं बताने वाला हूं तो आपको फुल मार्क मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही लिखना है। एंड पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध क्लास 10 हिंदी के लिए, पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध, अगर ये पांच निबंध तैयार कर लेते हो तो मैं 100% गारंटी लेता हूं कि इससे बाहर आपका एक भी निबंध नहीं आएगा, ठीक है। ये 2022 बोर्ड एग्जाम में जो आपका 24 मार्च को पेपर है उसमें ये आएगा, 100% मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आप सबसे अच्छा आपका निबंध रहेगा, अगर जैसा मैं बताने वाला हूं वैसा आप लिखोगे तो सबसे अच्छा आपका निबंध रहेगा, एग्जामिनर देखेगा और आपको मैं बता दूं 100% फुल मार्क देगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग देखो, ये पांच निबंध जो आपको बोर्ड एग्जाम में तैयार करके ही जाना है, बोर्ड एग्जाम के लिए पांच सबसे महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मैं पहला निबंध बताता हूं जो बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार कर लेना है। जो प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध तैयार ही तैयार कर लेना है, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपको तैयार ही कर लेना है, बोर्ड एग्जाम में ये 100% आएगा, ठीक है। और आपको फिर दूसरा जो निबंध तैयार करना है, कोरोना वायरस पर निबंध। अभी मैंने कल ही पढ़ाया है कोरोना वायरस पर निबंध, ठीक है, आज ही पढ़ाया, तो आप लोग इसको जरूर देखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, इसको मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है तो जरूर देखना, ठीक है। आप लोग कोरोना वायरस पर निबंध को भी जरूर तैयार कर लेना। ये पांच निबंध अगर आप तैयार कर लेते हो तो आप लोग जो आपका 6 मार्क है वो बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपको तीसरा निबंध तैयार करना है, जनसंख्या वृद्धि। जो जनसंख्या वृद्धि है उस पर आपको निबंध तैयार करना है, जो कि हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध है। इन सारे को आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में पेपर देने जाना है। चौथा आपको तैयार करना है, भ्रष्टाचार एक समस्या, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध है, जो कि भ्रष्टाचार एक समस्या, ये भी निबंध आपको तैयार ही कर लेना है, ठीक है। ये सारे निबंध आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए, हर साल पूछा जाता है। फिर आपको लास्ट नंबर निबंध तैयार करना है, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो ये आपको पांच जो है ना सबसे वीआईएमपी निबंध है। ये आपका मैंने देखा है कई सारे जो आपका गाइड है, प्रीवियस ईयर पेपर है, आपका मॉडल पेपर, वहीं से मैंने लिया। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, इसमें से आपको दो तीन निबंध जरूर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, और एक केवल लिखना पड़ता है। तो आप लोग इतना निबंध तैयार कर लेना ताकि आप लोगों से कोई भी निबंध बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप कम ही समय में लिख दो, ठीक है। तो ये आपको पांच निबंध तैयार कर लेना है, लिख कर तैयार करो इसको, आप लिख कर प्रैक्टिस करो घर पर, क्योंकि ये आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना है, ठीक है। और अब आपको मैं एक बात बता दूं, जितने शब्दों में लिखने के लिए बोले सिर्फ उतना ही लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा निबंध लिख देते, नहीं, आपको जितना शब्दों में कहा गया है उतने ही शब्दों में निबंध को लिखना है, क्योंकि ज्यादा लिखने से आपको मार्क नहीं मिलेगा। आपको जितना शब्दों में कहा गया उतने में आप अच्छा सा लिख दो, मतलब उसके बारे में अच्छे से लिख दो, कुछ आप उसमें मुहावरे और कुछ अच्छी अच्छी जो उनके मतलब अच्छे अच्छे जो निबंध है उसको लिख डालो, मतलब आपको अच्छे से लिखना है, उसके पूरे बारे में लिखना है, डिटेल में लिखना है, ठीक है। अच्छे से लिखना होगा, रूपरेखा प्रस्तावना सारी चीजों को लिखोगे एक अच्छे से, तब एग्जामिनर आपको फुल मार्क देगा, एक भी मार्क आपका नहीं काटेगा, ठीक है। तो जितने आपके शब्दों में कहे उतने ही शब्दों में आपको निबंध को लिखना है, ठीक है। तो अब हम आपको बताएंगे कि बोर्ड एग्जाम में आखिर हम निबंध कैसे लिखें ताकि हमें फुल मार्क मिले, एक भी मार्क ना कटे। तो चलो अब हम लोग देखते हैं बोर्ड एग्जाम में निबंध कैसे लिखें। तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी जैसा मैंने दिया है, लिखा है जैसे, आपको एक तरफ स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर लेना है जैसा मैंने अंडरलाइन किया है। फिर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या डालना, प्रश्नोत्तर संख्या जो आपका हो, जैसे क्लास 10 में 11 नंबर पे ये पूछा जाता है, तो प्रश्नोत्तर संख्या आपको 11 डाल देना है, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 11 डाल देना। और अब आप लोगों को जो निबंध लिखना है, ठीक है, जैसे हम यहां आपका प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर बता रहे हैं, तो आप लोग यहां हेडिंग डाल देना, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, और
यहां आप लोग अंडरलाइन जरूर करना जैसा मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, ठीक है। और यहां 11 के नीचे तक आप लोग अच्छे से अंडरलाइन कर लेना। जब आप अंडरलाइन करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा हाँ बच्चे ने मेहनत किया है। और इसको आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना है, केवल ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है बोर्ड एग्जाम में। और यहां अब आप लोगों को रूपरेखा डालना है। ये गलतियां कर देते हैं बोर्ड एग्जाम में, आप लोग रूपरेखा जरूर डालो। बहुत सारे स्टूडेंट प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को रूपरेखा डालना है। और जितने आप यहां जैसे हेडिंग्स डिस्कस करने वाले हैं उसको लिख देना। जैसे यहां सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रस्तावना, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रदूषण का अर्थ, फिर प्रदूषण के प्रकार, फिर आपका समस्या का समाधान यानी कि प्रदूषण की समस्या का समाधान, फिर हम लोग उपसंहार को डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम लोग एक एक को देखने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालना बोर्ड एग्जाम में प्रस्तावना, और इसको आप लोग ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। तो अब आप लोग प्रस्तावना में जितना जानते हो उसको लिख डालो, ठीक है। तो आप लोग देखो जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आजकल जो प्रदूषण की समस्या है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने का है, ठीक है। क्या है? पर्यावरण को बचाने का है, क्योंकि पानी, जो आपका पानी है, हवा है, जंगल है, मिट्टी है, आदि सब कुछ दूषित हो चुका है। देखो जब ज्यादा प्रदूषण बढ़ता है तो पानी, हवा, जंगल, मिट्टी सारी चीजें दूषित हो जाती हैं। देखो बहुत अच्छे से लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा, और पता नहीं तब तक मानव जीवन होगा या नहीं होगा। देखो आपको बीच में काटपीट नहीं करना, जैसे मैंने सुंदर सुंदर लिखा है, हैंडराइटिंग अच्छे से लिखना, लिखावट अच्छी होनी चाहिए। और आप लोग बीच में काटपीट मत करना, वरना एग्जामिनर आपका नंबर कट कर देगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी काटपीट मत करना, धीरे धीरे अच्छे से लिखना, आपके पास टाइम बहुत रहता है। अगर आपको पूरा पेपर आता है तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग प्रस्तावना हेडिंग डाल के इतने अच्छे से लिख देना। अगर आपके प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध आए बोर्ड एग्जाम में तो जैसा मैं बता रहा हूं ऐसा ही लिख देना, आपको फुल मार्क मिलेगा। फिर आप लोग लिखना प्रदूषण का अर्थ, जो प्रदूषण है उसका क्या अर्थ है, ठीक है। तो यहां हेडिंग है प्रदूषण का अर्थ और अंडरलाइन ब्लैक कलर से। अब आप लोगों को लिखना है कि बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के आस जो आपका संतुलन, ठीक है, संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो आपका जो प्रदूषण है वो भी बढ़ेगा, क्योंकि पहले जैसे दो आदमी प्रदूषण कर रहे थे तो जनसंख्या वृद्धि हुई, 10 लोग हो गए तो वो भी पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं, ठीक है। तो बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर देते हैं। यह गंदा वातावरण जीवधारियों के लिए हानिकारक है, ये गंदा वातावरण जो जीवधारी हैं उनके लिए भी हानिकारक है। और इस प्रकार वातावरण को प्रदूषित करने को प्रदूषण कहते हैं, और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति के प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। जैसे जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगा वो आपका प्रदूषण भी बढ़ता चला जाएगा, इससे मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है, आगे चलकर मानव को संकट उत्पन्न हो सकता है अगर ऐसा ही प्रदूषण बढ़ता रहा, ठीक है। यहां आप लोग हेडिंग डालना प्रदूषण के प्रकार, यानी कि प्रदूषण कई प्रकार के होते हैं। यहां आप लोग लिखो आज के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाई जाती हैं, कौन कौन से रूप हैं, चलो हम लोग एक एक को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग डालना, जैसे का नंबर हेडिंग डालना, का लिख देना वायु प्रदूषण, अंडरलाइन कर लेना अच्छे से, इधर पेज में भी अंडरलाइन कर लेना, ठीक है, कि वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है। अच्छे से लिखना वायु जीवन का अनिवार्य स्रोत है, और ऑक्सीजन गैस हमें वायु से प्राप्त होती है, जैसे जो ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है वो वायु से ही प्राप्त होती है। आजकल प्रदूषण के कारण जो वायुमंडल है जिसमें ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, में ऑक्सीजन का जो संतुलन है, ठीक है, संतुलन बिगड़ रहा है। बिगड़ना का मतलब काफी ज्यादा प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि वायु अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है। जो वायु है वो भी अनेक हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो रहा है, तो आपका वायु भी बहुत ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। वायु में भी जल प्रदूषण, आप लोग देखो ये सारे प्रदूषण के प्रकार हैं। जल को ही जीवन कहा जाता है, जल ही जीवन है, आपने सुना होगा। आजकल इतना प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल भी दूषित हो रहा है, जो जल है, वाटर है, ये भी दूषित हो रहा है, और उससे भयानक बीमारियां होती हैं। जैसे अगर जल दूषित होगा तो सभी जीवधारी, सभी प्राणी, सभी लोग उसको पीते हैं, तो उससे क्या होगा, भयानक बीमारी होगा, ठीक है, जिससे लोगों का जीवन खतरे में है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको रोका जाए, प्रदूषण को रोका जाए। ये बहुत अच्छा निबंध है, ऐसा ही लिख कर आना बोर्ड एग्जाम में, बहुत मेहनत करके बता रहा हूं। ध्वनि प्रदूषण भी आज एक नई समस्या है, ध्वनि भी एक प्रदूषण है, ठीक है। मोटर
कार, ठीक है, ट्रैक्टर, जेट, विमान, जो आपका कारखाना आदि से ध्वनि प्रदूषण होता है, मतलब इन सारे से ध्वनि प्रदूषण होता है। अब यहाँ आप लोग रासायनिक प्रदूषण, यहाँ आप लोग देखो ये सारे आपके घातक मैंने इसके प्रकार बताए हैं। अब रासायनिक प्रदूषण को ध्यान से देखना, रासायनिक प्रदूषण को, तो कारखानों से बहते हुए जो आपके अपशिष्ट द्रव्य, जो अपशिष्ट द्रव्य के अलावा रोगनाशक तथा कीटनाशक दवाइयाँ, जो दवाइयों और उनके रासायनिक खादों से भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ठीक है, इससे भी स्वास्थ्य जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ये पदार्थ जो है पानी के साथ बहकर जीवन को अनेक प्रकार से हानि पहुंचाती हैं। ये जो रासायनिक पदार्थ हैं, रासायनिक प्रदूषण है, ये पानी के साथ मिलकर हमें काफी ज्यादा हानिकारक प्रभाव होता है, हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। तो ये आपका हो गया सारे जो आपके प्रकार हैं। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा आगे का है इसी में। अब आप लोगों को जो इसकी समस्या का समाधान है, इसको कैसे समाधान किया जाए, इसको कैसे सही किया जाए, तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए, अगर वातावरण है उसको प्रदूषण से बचाना है, तो प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण सर्वश्रेष्ठ साधन है। वृक्षारोपण करो, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ, ठीक है, ये जो है ना वृक्ष वो वातावरण को प्रदूषित होने से रोकता है। और दूसरी ओर वृक्षों के अधिक कटाव पर भी रोक लगानी चाहिए, या लगाई जानी चाहिए, जो वृक्षों का ज्यादा से ज्यादा कटाव हो रहा है उस पर भी रोक लगानी चाहिए, ताकि वृक्ष को काटने से रोका जाए, ठीक है। और बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिकरण ने भी विश्व के सम्मुख प्रदूषण की समस्या को पैदा कर दी है। मतलब बढ़ती हुई जनसंख्या और जो इतने बड़े बड़े कारखाने, इतने बड़े बड़े मशीन बढ़ने, इनसे भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, तो ये भी एक प्रदूषण को, समस्या को पैदा कर रही है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो और उनको समाप्त करने का प्रयास करो, ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। अगर इन सारे प्रदूषण को खत्म करोगे तभी प्रदूषण खत्म होगा। तो ये सारे आपके हैं प्रदूषण का समाधान, यानी कि समस्या का समाधान। अगर इसको खत्म करना है तो ये सारे उपाय करना होगा। अब आपको उपसंहार लास्ट में जरूर लिखना है, ठीक है, उपसंहार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उपसंहार में आप लोग लिख दो, जैसे प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। मतलब जो भारत की सरकार है वो प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है, कार्य कर रहे हैं। उन्होंने सन 1974 ईस्वी में जल का निवारण, जो आपका निवारण अधिनियम लागू किया था, मतलब जो जल है जल का निवारण अधिनियम लागू किया था, और वृक्ष को काटने पर कठोर नियम बनाए, मतलब वृक्ष को ना काटा जाए, वृक्ष को बचाया जाए और वृक्ष को लगाया जाए। तो मतलब वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाया गया कि उसको ना काटा जाए, ठीक है, और सभी सभी लोगों को वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए। मतलब जो सभी लोग हैं उनको वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया जाए, उनको वृक्ष लगाने के लिए कहा जाए, ताकि वो भी वृक्ष लगाएं, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। और न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए गए। मतलब जो ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं जो उद्योग, उनको महानगरों से बाहर ले जाने के लिए आदेश दिए गए। और यह संकल्प किया गया, यह संकल्प ले कि जीवन में आने वाले प्रत्येक शुभ अवसर पर कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं। मतलब ये सोचा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि मतलब अगर आपके जीवन में कोई भी खुशी आए तो आप लोगों को अपने उस खुशी को व्यक्त करने के लिए एक वृक्ष जरूर लगाएं। तो ये आपका है पूरा प्रदूषण की समस्या तथा समाधान पर निबंध। अगर इतना लिखोगे तो एग्जामिनर आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा, ये सबसे आसान तरीका है। और अगर आप ऐसा लिखोगे तो आप लोगों को फुल मार्क मिलेगा। और ये 5 निबंध आप लोग जल्दी से तैयार कर लेना, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, कोरोना वायरस, जनसंख्या वृद्धि, भ्रष्टाचार एक समस्या और विज्ञान वरदान है यावी साहब। अगर इस 5 को तैयार कर लोगे तो मैं गारंटी लेता हूं कि फुल मार्क आपको जरूर मिलेगा। ये वीडियो आपको पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हिंदी की वीडियो के साथ, तो आप लोग इन सारे को नोट भी कर लेना, जितना मैंने बताया है मेहनत करके इन सारे को नोट भी कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।